स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न। झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री तथा आपदा प्रबंधन विभाग एवं माननीय अध्यक्ष जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन सह धनबाद के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में आज समाहरणालय के सभागार में जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि बैठक का उद्देश्य स्वच्छ मन से एवं अच्छे माहौल में विभिन्न विषयों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन कर जिले का विकास करना है। CSR के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के गठन की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि शेष 10% छूटा हुआ काम 2 महीने में पूरा करें। वहीं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बहनों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबल बनाना इसका मूल उद्देश्य है। उनके उत्पाद को उचित बाजार मूल्य मिले ये सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने 2 माह के अंदर कृषक मित्रों की चयन प्रक्रिया को पूरा करने एवं 100% टारगेट हासिल करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान माननीय मंत्री ने गया पुल चौड़ीकरण को लेकर कहा कि RCD सचिव को पत्र लिखकर गया पुल चौड़ीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का पहल की जाएगी। वहीं पार्किंग की समस्या पर कहा कि एक उचित स्थल देखकर जिले में मल्टी लेवल कर पार्किंग एवं जहां बॉटल नेक सड़क है उसे चौड़ा करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सरकारी तालाब के सैराद दर में हुई वृद्धि पर मंत्री ने कहा कि वे माननीय मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री के समक्ष दर कम करने का प्रस्ताव रखेंगे। ऑनलाइन म्यूटेशन में हो रही परेशानी पर मंत्री ने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न प्रखंडों में विशेष जनता दरबार का आयोजन कर केवल जमीन से जुड़े विषयों पर लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री ने PCND PNDT एक्ट का अक्षरशः अनुपालन करने, अल्ट्रासाउंड सेंटरों की औचक जांच करने तथा शहर के विभिन्न खराब लिंक रोड में ACB जांच के नाम पर काम बंद होने को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त से ACB से NOC लेने का निर्देश दिया। मंत्री ने सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को FIR एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार मानकर तुरंत मृतक के आश्रित को लाभ देने का निर्देश दिया। बैठक में सांसद धनबाद पशुपतिनाथ सिंह ने ऑनलाइन म्यूटेशन लगान रसीद तथा पंजी 2 में नाम दर्ज करने के लिए होने वाली परेशानियों से माननीय मंत्री को अवगत कराया। वहीं माननीय विधायक बागमारा श्री ढुल्लू मातो ने राजगंज रांची 4 लेन सड़क पर सोनाडी में रेलवे फाटक के कारण लगने वाले जाम का समाधान निकालने का अनुरोध मंत्री से किया। साथ ही उन्होंने तेतुलिया सोनाडी सिनीडी रेलवे लाइन की खतरनाक स्थिति से मंत्री को अवगत कराया। विधायक धनबाद राज सिन्हा ने बैंक मोड सहित शहर के अन्य स्थानों पर पार्किंग न होने के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होने, पांडरपाला में सैनिटरी पैड निर्माण एवं सिलाई मशीन केंद्र को पुनः शुरू कराने, जाति प्रमाण पत्र के लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन करने का अनुरोध किया। वहीं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने CCA लगे अपराधियों पर कार्रवाई करने, राजापुर से निकलने वाले हाईवा के कारण सड़क की दुर्दशा की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही झरिया के CHC के निर्माण के लिए जेलगोड़ा के बगल में चिन्हित प्लॉट में CHC निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने का अनुरोध किया। बैठक में मंत्री ने पेयजल, बिजली, विधि व्यवस्था सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। बैठक शुरू होने से पूर्व उपायुक्त ने मंत्री को पौधा देकर स्वागत किया। उप विकास आयुक्त ने सांसद धनबाद, विधायक धनबाद, विधायक बागमारा, विधायक झरिया तथा 20 सूत्री उपाध्यक्ष को पौधा देकर स्वागत किया। जिला योजना पदाधिकारी ने जिला परिषद अध्यक्ष सहित 20 सूत्री समिति के सदस्यों को पौधा प्रदान कर स्वागत किया। बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद धनबाद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक बागमारा ढुल्लू मातो, विधायक धनबाद राज सिन्हा, विधायक झरिया पूर्णिमा नीरज सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, मंत्री के सचिव आसिफ इकराम,
20 सूत्री उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद, उपायुक्त वरुण रंजन, एसएसपी संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, डीएफओ विकास पालीवाल, नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कमलाकांत गुप्ता, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, निदेशक डीआरडीए मुमताज अली अहमद, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, डीटीओ राजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय एक अमर कुमार पांडे, एडीएम सप्लाई योगेंद्र प्रसाद, विधायक टुंडी के प्रतिनिधि, विधायक सिंधरी के प्रतिनिधि सहित जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। राज सिन्हा साहब भी तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं पीएन सिंह साहब। तो क्या भाजपा और कांग्रेस क्या मलयुद्ध थोड़ी करेगा? विचारों का मतांतर होता है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र की ये परिभाषा होती है कि विचारों में मतांतर हो सकता है लेकिन मन में विद्वेष नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हम एक दूसरे के साथ वैचारिक रूप से विरोध कर सकते हैं, व्यक्तिगत राग द्वेष कहाँ है? तो आपस में तो प्रेम है ही। हम लोग दो वकील जाके जिरह करते हैं, बाद में बैठ के चाय पीते हैं, तो ये क्या खराब परंपरा है? तो हम तो चाहते हैं ऐसा ही स्वस्थ लोकतंत्र हो जिसमें विचारों का मतांतर हो लेकिन विद्वेष नहीं हो, प्रेम हो। दिया ना जी, ओबीसी साहब को लाया था वहाँ, तो अमर अकबर एंथोनी तीनों लड़ा ना, अमर भाजपा, अकबर एंथोनी सुदेश भाई, और हमारा जो है ओबीसी साहब। हमने बोला था कि ये जो पतंग आई है, ये लोग लाया है पतंग कि हमारा पतंग काटने के लिए, लेकिन ये लोग वो पतंग को अपना बंडवल हवा में लपेटा मार रहा था, लेकिन इनका भी उड़ गया हाथ तड़ से, देखे ना। अब देखिए ऐसा है, मैं किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। अब यदि ईडी ने आयुष्मान पर जांच के लिए कहा है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, चूंकि आयुष्मान भारत सरकार की संस्था है और सीधे सीधे भारत सरकार उसमें सारी चीज़ों का निरीक्षण करती है। तो इसमें हमारा जो है स्वास्थ्य विभाग कहाँ पर इसमें है, इसमें हम कहाँ हैं? लेकिन यदि अब किसी को कोई फोबिया हो जाए और उठते बैठते ही यदि बन्ना गुप्ता कोई करने लगे तो इसके लिए मैं दोषी नहीं ना हूँ। यदि कोई जो है ये कहने लगे कि नहीं साहब शेर नहीं है वो सियाल है, तो उसकी सोच हो सकती है, हमारी सोच तो नहीं ना होगी। एसडीआरएफ का क्या पोजीशन है? कुछ रखे हवाई अड्डा का मुद्दा रखे कि जमीन उपलब्ध कराइए, या जो रोज गोलियां चल रही है और गोली लेकर रिवॉल्वर लेकर घूम रहे हैं क्रिमिनल, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है? कहीं ना जांच है, खाली हेलमेट और गाड़ी का कागज पत्र जांच है, लेकिन आर्म से लेकर घूम रहा है उसकी जांच तो है नहीं। तो ऐसे विकास को देखिए, अभी यहाँ पर गया पुल का चौड़ीकरण दोहरीकरण, फिर अभी जाम जो वहाँ है अभी बह गया कुछ दिन पहले बना, और जिसके चलते अभी वर्तमान में भी गड्ढा वगैरह हो गया है। तो पूर्व में भी डीसी साहब के साथ बैठे थे और उन्होंने वहाँ आश्वस्त किया है कि आप सीसी का ढलाई करके, रोड का ढलाई करके उसको फिर से अच्छा से बनवाएंगे। जगह जगह की समस्या जैसे जैसे आ रही है वैसे क्या लग रहा होगा होंगे जो हमारे धनबाद के जो समस्या था, उस समस्या के प्रति सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने माध्यम से अपने अपने तरीका से बात को रखा। हम खास तौर पर इस क्षेत्र में जो अवैध माइनिंग चल रहा है उस मामला को हमने रखा कि और रेलवे लाइन के अगल बगल में जो अवैध माइनिंग हो रहा है और वो कभी भी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इसके लिए हम लोगों ने बात को रखा है कि सरकार संज्ञान में ले और इसे लोगों पर कार्रवाई करे जो अवैध माइनिंग के दौरान रेल के लाइन इससे पार से उस पार अवैध माइनिंग करके खोखला कर दिया जा रहा है और कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, इसके लिए मामला रखे। और विकास के लिए भी जो यहाँ पे ओवरब्रिज का मामला आपका यहाँ पे गया पुल के पास,
सोनाडी फाटक के पास जो लंबी लाइन लग रही है, मतलब हमें लगता है कि दो दो तीन तीन किलोमीटर जाम लग रही है, उसके लिए बात को हम लोगों ने रखा। मत्स्य विभाग के द्वारा 500% बढ़ा दिया गया उसका टैक्स रेवन्यू। ये आपका बोले क्या, यहाँ कांग्रेस और जेएमएम के कुछ लोग हैं वो तो बोल रहा है सीधा कि यहाँ सीएसएफ इसका जिम्मेवार है, मतलब गोली चल रहा है उस भी सीएसएफ गांव में गोली चला रहा है क्रिमिनल लोग उस पर भी, यहाँ धमकी अगर मिल रहा है अगर कोई व्यवसाय लोग को तो वो भी सीएसएफ पर। हम तो बोले सीएसएफ का क्या जिम्मेवारी है, सीएसएफ पर गोली चल रहा है, सीएसएफ पर बम चल, करवाए तो पुलिस को करना है, मगर यहाँ क्या स्थिति हो तो आप ही जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं। क्रिमिनल लोग पर करवाया होता तो इस तरह से क्राइम बढ़ता क्या धनबाद में? और कहावत नहीं है, कहावत नहीं है दूध का रखवाला बिल्ली को दे दे तो क्या हो सकता है सो? आज के आज का मीटिंग कितना कारगर रहेगा? आज श्री राहुल गांधी जो हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं, उनके और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के आदेशानुसार महिला में एक बार जन सुनवाई के लिए बुला गया। उसी कड़ी में आज 20 सूत्री की बैठक के बाद यहाँ जन सुनवाई हुई और लगभग 92 आवेदन और लोग मिले और उनका मंत्री महोदय ने सहानुभूति पूर्वक सुना है। बहुत सा को फोन लगाकर भी पदाधिकारी को बोले हैं, उनका काम बहुत जल्द निष्पादित होगा। हम समझते हैं कि इस तरह से मंत्री को आने से जिला में जो जिनका काम नहीं हो पाता है, जो उपेक्षित हैं, उनको डायरेक्ट मिलने का मौका मिलता है, ये बहुत अच्छी बात। लोग आरोप लगा रहे कम समय दिए मिलने पाए, समय कम इसलिए दिए कि आज एक और खुशखबरी मिली हम लोग के बीच सूत्री की मीटिंग चल रही थी उसी में कि इतने लोग आ गए डुमरी में, सभी नेता एनडीए के आए, यहाँ तक कि बी टीम को भी खबर। सबसे पहले हम बीस सूत्री और जिला के प्रभारी मंत्री श्री बन्ना गुप्ता का हम बधाई देना चाहते हैं कि वो आ करके एक एक दिन में इतना बिजी शेड्यूल था उसके बावजूद भी वहाँ कलेक्ट्रिएट में 20 सूत्री समिति की बैठक की, जिसमें सभी सांसद विधायक विधायक के प्रतिनिधि और जितने भी 20 सूत्री समिति के सदस्य थे सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया और जितने भी जिले की समस्याएं थी सभी समस्याओं को सुना गया और स्पोर्ट मतलब उसका निराकरण किया गया और जो नहीं होने लायक था उसको मंत्री महोदय ने उपायुक्त महोदय के निर्देशित भी किए। इसलिए जिला विश्वस्तरीय का कार्यक्रम के समन्वय समिति की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है और इसके बाद आज